एक गधा पेड़ से बंधा था, तभी एक शैतान आया और उसे खोल गया। गधा मस्त होकर खेतों की ओर भाग निकला और खड़ी फसल को खराब करने लगा। तब किसान की पत्नी ने यह देखा तो गुस्से में गधे को ही मार डाला। गधे की लाश देखकर गधे के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। किसान पत्नी की मौत से इतना गुस्से में आ गया कि उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे के मालिक की पत्नी ने जब पति की मौत की खबर सुनी तो गुस्से में बेटों को किसान का घर जलाने का आदेश दिया। बेटे शाम में गए और किसान का घर जला दिया। उन्होंने मान लिया कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान वापस आया और उसने गधे के मालिक की पत्नी और बेटों तीनों की हत्या कर दी। इसके बाद उसे पछतावा हुआ और शैतान से पूछा कि यह सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? तब शैतान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गधा खोला, लेकिन तुम सबने रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया और आपस में लड़ने लगे। निष्कर्ष, कई बार शैतान हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है और बाकी विनाश हम खुद कर देते हैं। अब वो परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, धर्म किसी भी रूप में हो सकता है, उसे छोड़ने वाला शैतान खुशी से रहता है और हम हमेशा किसी न किसी बात को पकड़कर आपस में लड़ते रहते हैं और खुद अपना विनाश कर लेते हैं। फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है, इसलिए किसी से बदला लेने से पहले एक लम्हे के लिए रुकना और सोचना जरूर है।